हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं कि हम जियो फाइबर का जो 30 डेज का फ्री ट्रायल पीरियड होता है उसके ख़त्म होने के बाद कौन सा प्लान लें जिससे कि हम विदाउट एनी इंटरप्शन हम सर्विसेज को कंटिन्यू एंजॉय कर सकें। मेरे कुछ सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन मुझसे पूछा था और इस पर एक रिक्वेस्ट किया था कि मैं एक वीडियो बनाऊँ, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स, मैं अपने एक्सपीरियंस को अगर शेयर करूँ तो मैंने जियो फाइबर का जो 30 डेज़ का फ्री ट्रायल पीरियड लिया था, तो 30 डेज़ कंप्लीट होने से पहले ही मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मैं जियो के सर्विसेज़ के साथ कंटिन्यू करूँगा। और मुझे सर्विसेज़ काफ़ी अच्छी लगी थी, क्योंकि इससे पहले मैं एक लोकल केबल कनेक्शन यूज़ करता था जिसमें 350 रुपये पे करके मैं सोनी और स्टार के प्रोग्राम्स देखता था। लेकिन मेरे पास सोनी लिव और हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन था, क्योंकि मैं अपने ऑफिस में भी अपने लैपटॉप पर लॉग इन करके स्टार और सोनी के प्रोग्राम्स देखा करता था। तो मैंने डिसाइड किया कि जियो फाइबर के जो उसमें जो OTT ऐप हैं उस पर मैं लॉगिन करके सोनी और स्टार के प्रोग्राम देख सकता हूँ। तो मैंने अपना जो लोकल केबल कनेक्शन था जिसके लिए मुझे 350 रुपये पे करने पड़ते थे, उस कनेक्शन को मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया और जियो फाइबर के साथ ही तब से लेके अभी तक 10 महीने हो चुके हैं। अभी 10 महीने तक मैं 399 वाला ही प्लान यूज़ करता रहा हूँ, जो कि आफ्टर टैक्स मुझे 470 रुपीज़ का पड़ता है। इसमें मुझे 30 Mbps की स्पीड कंपनी जो क्लेम करती है उतनी स्पीड मिलती है। मैंने स्पीडोमीटर में भी टेस्ट करके देखा है, इतनी स्पीड मिलती है। और इतनी स्पीड में मैंने 3-4 मोबाइल मेरे घर पे, उसके अलावा लैपटॉप और मेरा जो टीवी है जिसमें फुल HD में वीडियो देखता हूँ, ये सारी चीज़ें विदाउट एनी इंटरप्शन और बिना किसी बफरिंग के प्रॉपर तरीके से चलती है। यदि आपकी यूजेस डोमेस्टिक से कुछ ज़्यादा हैं, सपोज़ आपके घर में 8-10 मोबाइल फ़ोन हैं, 2-3 लैपटॉप हैं, 1 से अधिक स्क्रीन है आपके घर में, मतलब टीवी है, तो आप अगर चाहें तो 699 वाला प्लान जो कि 100 Mbps की स्पीड देता है और 999 वाला प्लान जो कि 150 Mbps की स्पीड प्रोवाइड करता है। 999 वाला जो प्लान है वही प्लान है जो कि आपको फ्री ट्रायल पीरियड के दौरान मिला था। इसमें 14 OTT ऐप्स फ्री हैं, इसके अलावा इसमें 150 MB की स्पीड मिलती है। तो ये प्लान आप कंटिन्यू कर सकते हैं अगर आपको सारे प्लेटफॉर्म्स का मज़ा कंटिन्यू लेना है अगर। तो अकॉर्डिंग टू योर यूजेस आप जो चाहें वो प्लान डिसाइड कर सकते हैं। वैसे मैं अपनी बात बता दूं कि 399 वाले प्लान को लेके लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि इसमें प्रॉपर वीडियो चलेगा कि नहीं चलेगा। तो अगर आप एक डोमेस्टिक यूज़र हैं तो आपके लिए ये प्लान बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं तो पिछले 10 महीने से यही प्लान यूज़ करता आया हूँ और जो मेरी रिक्वायरमेंट्स है पूरी फुलफ़िल हो रही है और मैं बिना किसी इंटरप्शन के बहुत अच्छे सर्विसेज को एंजॉय कर पा रहा हूँ। तो ये इन्फॉर्मेशन थी फ्रेंड्स जो मैं अपने फ्रेंड्स को देना चाह रहा था। 30 Mbps, 100 Mbps, 150 Mbps या 300 Mbps, ये स्पीड जो कंपनियां क्लेम करती हैं, वास्तव में इसमें बहुत बड़ा एक कंफ्यूजन है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आगे मैं स्पीड, मतलब इंटरनेट स्पीड को लेकर एक वीडियो सीरीज बनाने वाला हूँ। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे जो ये सीरीज मैं बनाने वाला हूँ स्पीड टेस्ट के ऊपर, उसको आप देख सकें, जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और जो भी कन्फ्यूजन है स्पीड को लेके, हमारी अंडरस्टैंडिंग जो स्पीड को लेके है वो काफ़ी गलत है, मैं इसको रिवील करूँगा कि ये कैसे एक्चुअल में होता है। बस एक बात बता दूँ, इंस्पाइट ऑफ दैट अभी जो स्पीड हमको मिल रही है वो सफिशियंट है और इसके चलते हमको किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम, जब हम कोई भी चैनल को देखते हैं या फिर किसी भी प्रकार का इंटरनेट का यूज़ करते हैं तो उसमें किसी प्रकार की कोई इंटरप्शन नहीं होती। फिर भी जो स्पीड क्लेम किया जाता है उसको लेके हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें एक बहुत बड़ा एरर है, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अन्य फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जियो फाइबर की सर्विसेज को एंजॉय करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।